हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं रिमोट पर आने वाले खराबी के बारे में, जिसे कि आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे मिनटों में सही कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर रिमोट पर, चाहे रिमोट टीवी डीटीएच किसी का भी हो, इस पर दोस्तों आप देखेंगे तो रिमोट को चलाते चलाते इसके जो कुछ बटन हैं काम करना टोटली बंद कर देते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करना होता है तब दोस्तों ये रिमोट आपका काम करता है। आप दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ जो एलईडी लगा हुआ है आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसका यह बटन काम कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके सभी बटन लगभग काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो ये बीच वाला ओके वाला बटन है, यह दोस्तों हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं इसे तेज़ से भी प्रेस कर रहा हूं, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे इसके जितने भी बटन हैं बाकी सभी बटन काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो ओके वाला बटन है यह काम नहीं कर रहा है। अगर दोस्तों आपके रिमोट पर भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है कि कुछ बटन वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर ज़्यादा उन्हें दबाना पड़ता है तब वह काम करता है, तो आप दोस्तों इसे इजीली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज दोस्तों मैं आपको इस डीटीएच केबल का यूज करके आपको किसी भी रिमोट को सही करके दिखाऊंगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, तो आपको एक डीटीएच का छोटा सा केबल ले लेना है। जब दोस्तों अगर आप इसे इस प्रकार से छीलेंगे तो आपको इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों इस पर एक पॉलीथीन टाइप का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर आपको एक इस प्रकार से आपको पॉलीथीन टाइप का जो एल्युमिनियम का वर्क है तो दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो हम दोस्तों इसी का यूज करके और किसी भी रिमोट को हम सही करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस रिमोट को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको रिमोट को ओपन करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का स्क्रू नहीं लगा हुआ है। अधिकतर रिमोट को आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ साइड में आप देखेंगे तो लॉक लगा रहता है, तो आपको इस लॉक को दबाकर और रिमोट को बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है इस प्रकार से। तो मैं दोस्तों आपको इस रिमोट को ओपन करके किस प्रकार से ठीक करना है तो आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। दोस्तों आपको सबसे पहले इस प्रकार से इस रिमोट को खोल लेना है, ओपन कर लेना है। अब दोस्तों ये जो फॉल्ट है इस रिमोट पर किस कारण से आता है, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है तो इसका जो ये कीपैड है, तो इसका दोस्तों जो प्रॉब्लम है इस कीपैड से है, तो हमारा इसका जो ओके बटन है ये दोस्तों काम नहीं कर रहा है। तो आपको दोस्तों मैं पास से अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस पर यहाँ बीच में वाइट वाइट हो चुका है, इस कारण से ये दोस्तों काम नहीं कर रहा है। इसका जो यहाँ कार्बन लगा होता है ये दोस्तों मिट चुका है। तो हम क्या करेंगे, यह जो हमने डीटीएच केबल से यह जो पॉलीथीन निकाला हुआ है तो हम दोस्तों इसे कट करके, और आप देख सकते हैं इसका जो बीच वाला बटन है
तो हम दोस्तों इसे कट करके यहाँ इसे फेविक्विक से चिपका देंगे। तो आपको दोस्तों केवल इतना ही करना है, तो आपको कैंची वगैरह से आपको इस पॉलीथीन को इस प्रकार से आपको दोस्तों निकाल लेना है, और आपको जो भी इसका बटन काम नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों इसे यहाँ फेविक्विक से चिपका देना है। तो दोस्तों मेरे पास ये फेविक्विक है, तो आपका दोस्तों जो भी बटन काम नहीं कर रहा है आपको ज़रा सा इस पर जो फेविक्विक है आपको लगा देना है, और आपको दोस्तों इस एल्युमिनियम के बर्क को आपको इस पर चिपका देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको केवल इतना ही करना है। अगर आपका जो रिमोट है कोई भी एक बटन या फिर दोस्तों कुछ बटन काम नहीं कर रहा है तो आपको इसे थोड़ा सा काट काट कर और यहाँ बीच में आपको फेविक्विक लगा लगा कर दोस्तों आपको चिपका देना है। अब दोस्तों मैं आपको इसे दोबारा से पैक करके और दिखाता हूँ कि इसका जो ओके वाला रिमोट, जो ओके वाला बटन है हमारा दोस्तों काम नहीं कर रहा था, तो यह काम कर रहा है या फिर नहीं। तो हम दोस्तों इसे दोबारा से पैक कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों इसे दोबारा से इस प्रकार से फिट कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बैटरी लगाकर और दिखाता हूँ कि हमारा जो रिमोट का प्रॉब्लम है वह सही हुआ या फिर नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बटन है, बाकी बटन हमारा काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं ओके वाला बटन आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओके वाला बटन है ये दोस्तों हमारा काम नहीं कर रहा था। अब दोस्तों ये हमारा जो रिमोट है सही हो चुका है। आप दोस्तों इस प्रकार से किसी भी खराब रिमोट को इस DTH केबल की सहायता से आप सही कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, ये जो इसका ओके वाला बटन है काम नहीं कर रहा था, तो आप देखिएगा, आप देख सकते हैं मैं हल्का से दोस्तों इसे दबाता हूँ, अब यह हमारा काम करना शुरू कर चुका है। आप दोस्तों इस प्रकार से किसी भी रिमोट को अगर इस प्रकार का खराबी है तो दोस्तों आप सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।